सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड आज जो है हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें आपको दिखाएंगे और एक सस्पेंस आपके माइंड में रहना चाहिए और साथ में जो है तभी ब्लॉग का मज़ा आएगा। सो आप अभी मज़े लीजिए, देखते जाइए ब्यूटी कैसी है। वाई रोड हम जा रहे हैं अब बुलेट पे। सो अब मैंने पहले भी ट्रेलर इस वीडियो का बना के डाला था छोटा सा। सो अभी जो है हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो चलिए बीच में कुछ एक चीज़ें और इंटरेस्टिंग दिखाएंगे आपको, एक घर दिखाएंगे जिसको विज़िट करने जाएंगे हम, जहाँ पे कोई रहता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा देख के आएंगे कि क्या क्या होगा, घर की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि बहुत टाइम से वो बंद है। सो जस्ट बाहर से हम देख के आएंगे उसको। तो चलिए तब तक आप एंजॉय करिए राइड। और सो गाइस ये है वो घर जिसकी मैं बात कर रहा था। सो ये यहाँ इसके सामने पुराना घर है एक, और ये है वो घर। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर की, अंदर की साइड देखिए कैसी हालत हो गई है। बहुत टाइम से बंद है क्योंकि जो मालिक हैं इसके वो रहते नहीं हैं यहाँ पे, चंडीगढ़ में रहते हैं। सो जब भी आते हैं तभी साफ़ सफाई हो पाती है यहाँ की। सो अभी छत के ऊपर जाके देखते हैं कुछ कि कैसा है, पत्ते कितने गिरे हुए हैं और पत्ते वत्ते क्योंकि यहाँ पे जो है गिरते रहते हैं छतों पे। सो अब गाइस हम जा रहे हैं एक और स्पेशल जगह पे जहाँ पे और आपको जो है देख के मज़ा आएगा काफ़ी उस जगह को विज़िट करके, आई थिंक। सो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि कैसी आपको लगी वो जगह और कैसा लग रहा है ब्लॉग, और आगे आने वाले ब्लॉग्स भी बेहतरीन होंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सो अभी हम चल रहे हैं उसी जगह पे। सो ये बोर्ड आप देख सकते हैं, आज आपको कुछ एडवेंचरस चीज़ें दिखाएंगे हम। और आज हमारे साथ जो है आ चुके हैं साथ ही बुलेट राजा के ड्राइवर, दिखाएंगे इनका अभी आपको फेस कुछ ही देर में। सो गाइस बताइएगा कि कैसा आपको ब्लॉग लगा, और देख लीजिए ब्यूटी जो है जंगल आ चुका है और देख सकते हैं आप कि कितना बेहतरीन नज़ारा है। गांव की लाइफ, हिमाचल की लाइफ, हिल स्टेशंस की लाइफ कैसी है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे आपको लेके जा रहे हैं जो कि है इस जंगल के बीच में। एक मंदिर है यहाँ पे बहुत ही फेमस, सो वहाँ ही चलेंगे। अभी तो वैसे तो खुला होगा मंदिर तो, बट लोग बहुत कम होंगे, लोग होंगे ही नहीं, बहुत कम चांसेस है कि कोई मिले। सो चलिए दिखाते हैं अब आपको मंदिर। सो देख लिया है आपने, मिस्टर आशीष जी हमारे साथ आज आ चुके हैं एक बार फिर से ब्लॉग के अंदर, इनकी एंट्री हो चुकी है। सो फॉलो करिए इनको आप, और ऑन इंस्टा आशीष शर्मा 0011 ऑन टिकटॉक। तो गाइस ये है मंदिर जहाँ पे हम आपको आज लेके आए हैं। सो देखिएगा मंदिर कैसा है और कैसा आपको
लगा ये प्लेस कुछ एक ब्यूटीफुल जगह आपको दिखाएंगे, देखिएगा और बताइएगा कैसा आपको लगा। और गाइस ये है मंदिर का एंट्रेंस, लेकिन हम मंदिर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मंदिर बंद हैं आजकल सारे, तो अंदर नहीं जा रहे हैं। सो ये है मंदिर और ये जगह बनाई गई है यहाँ पे जब भागवत वगैरह चलते हैं तो पंडित जी के लिए यहाँ से बैठ के संबोधित करते हैं और प्रवचन देते हैं, लोगों को जनता को सुनाते हैं भागवत। और ये देखिए कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं आपको, ये जो देखिए पेड़ दिख रहा है आपको ये है केले का पेड़ और कुछ एक केले लगे भी हैं, ये देखिए ये देख सकते हैं आप। और साथ में है चीड़ के बहुत सारे पेड़ और ये है मंदिर का आउटर व्यू। सो ये जो है हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो है बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है। सो यहाँ पे भंडारा वगैरह जब होता है तो लोग यहीं इकट्ठे होते हैं और देख सकते हैं आप। तो यही था छोटा सा मंदिर और अब कुछ और दिखाते हैं आपको अगर मिलता है रास्ते में तो, उसके बाद बताइए क्या। थोड़ा जूम करके इस पहाड़ी के ऊपर किला है, सो चलते हैं अब वापिस और कुछ मिलता है बीच में तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये है वाटर टैंक, यहाँ पहाड़ी पे बनाया गया है, यहाँ से वाटर स्टोर किया जाता है और जो नीचे की तरफ पहाड़ी से नीचे की तरफ जो गांव है वहाँ के लिए सप्लाई की जाती है। और ये देखिए सामने पहाड़ियाँ,
ये सारी जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये शिवालिक रेंज है हिमालय की। सो पिछले वीडियो में एक फ्रेंड ने कमेंट किया था, हमारे एक व्यूअर ने, कि हिमालय कहाँ है। सो ये सारी रेंजेस जो आती हैं हिमालय की ही रेंजेस आती हैं, जो कि शिवालिक रेंज के अंडर आती है। सो ऐसा नहीं है कि हिमालय कोई एक अकेली पहाड़ी है, वो रेंज है जिसकी अलग अलग रेंजेस हैं। तो ये देखिए कच्चा रास्ता देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि कैसी लाइफ है यहाँ पे लोगों की। कच्चे रास्तों में भी गाड़ियाँ चल तो रही हैं। ये सारे सामने दिख रहे हैं आम के पेड़ आपको, ये चिक्कड़ हो रहा। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, अभी थोड़ा सा पैच है ये बीच में 100 मीटर का, उसके बाद दोबारा पक्का स्टार्ट हो जाएगा। रोड आ चुकी है अब, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस यहीं पे अब हम एंड करने जा रहे हैं इस ब्लॉग का, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कैसा आपको ये ब्लॉग लगा। होप आप सभी को पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी।